आप कल्पना नहीं कर सकते कि 21 तारीख की शाम को कैबिनेट ने पास किया और दो दिन बाद आज 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उन स्वास्थ्य संस्थाओं का यहां भूमि पूजन कर रहे हैं। इसको कहते हैं सुशासन। दो दिन के अंदर आज मध्य प्रदेश के सागर संभाग के पन्ना जिला एक सौभाग्यशाली है कि पूरे संभाग में जितने भी हमारी स्वीकृतियां मिली हैं उनका सबका भूमि पूजन आज पन्ना की धरती से आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां करने को जा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले एक डेढ़ साल से जिस तरीके से कोविड की महामारी में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया, मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तेजी के साथ में स्वास्थ्य की सेवाओं का विस्तार किया, आप देख सकते हैं कि जब सेकेंड लहर आई थी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, बेडों की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन बहुत ही कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर जहां 201 ऑक्सीजन के प्लांट स्वीकृत किए और उसमें से 136 तो आज क्रियाशील हो गए। आज मुख्यमंत्री जी चार प्लांटों का यहां से उद्घाटन करेंगे। आज यहां पर पूरे सागर संभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र जो स्वीकृत हुए हैं उनका भूमि पूजन और जो बनकर उप स्वास्थ्य केंद्र तैयार किए गए हैं उनका आज लोकार्पण उनके कर कमलों के द्वारा किया गया है। सागर संभाग के पूरे प्रदेश में जहां 7 जिला अस्पतालों में बिस्तर की बढ़ोतरी की है, वहीं 21 सिविल अस्पतालों को आपने स्वीकृति दी है, 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपने खोले हैं, 73 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र, कुल 263 स्वास्थ्य की संस्थाओं का जो हमारा आईपीएस चेस का नाम है, इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक रोडमैप तैयार किया है, उसके प्रथम चरण में चाहे हम टीकमगढ़ की बात करें, चाहे हम छतरपुर की बात करें, चाहे हम निवाड़ी की बात करें, तो निवाड़ी में भी 60 बेड से 100 बेड कर दिए, टीकमगढ़ में भी 100 बेड बढ़ा दिए, छतरपुर में भी सिविल अस्पताल खोल दिया, आपके पन्ना जिले में भी सिविल अस्पताल की स्वीकृति दे दी, बंडा में सिविल अस्पताल की स्वीकृति दे दी, रातगढ़ में सिविल अस्पताल की स्वीकृति दे दी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नति कर दी और जहां पर बिल्कुल कोई भी स्वास्थ्य की संस्थाएं नहीं थी वहां उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे कि हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री की सोच है उस तेजी के साथ में, उस गति के साथ में इस प्रदेश में काम किया जा रहा है। और आज जो कोविड काल से तीसरी लहर न आए ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन जिस तेजी के साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काम किया जा रहा है, चाहे हम आईसीयू के बेड बढ़ाने की बात करें, चाहे हम बच्चों के पीआईसीयू बेड बढ़ाने की बात करें, चाहे ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने की हम बात करें, जो पहले थे आपके पन्ना जिले में भी 10 बेड का आईसीयू, 44 बेड ऑक्सीजन के, 10 बेड पीआईसीयू के इस अस्पताल में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार यहाँ पर जोड़े गए। तो इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी माताएं हैं जो गर्भवती माताओं को पूरा ट्रीटमेंट मिले, हमारे बच्चों के लिए पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं हो और टीकाकरण के मामले में मध्य प्रदेश में प्रथम डोज में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में जो 6 करोड़ डोज अभी तक आज से कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं और प्रथम डोज में देश में प्रथम नंबर पर आपकी कार्यकुशलता, आपने जो जनभागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया है, जिस तरीके से गांव-गांव के लोगों को क्राइसिस कमेटी में, जब पहले जिले की क्राइसिस कमेटी होती थी, आपने गांव तक, वार्ड तक, पंचायत तक लोगों को जोड़कर और जिस तरीके से जनमानस को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, धर्म गुरुओं को, जनप्रतिनिधियों को जोड़कर जो आज टीकाकरण में देश में मध्य प्रदेश आज प्रथम डोज में आज फर्स्ट चल रहा है। तो आज मैं इस क्षेत्र में ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय बीडी शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे,
मैं इस क्षेत्र की जनता आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के कार्य और प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को कल ही 3 वर्ष पूरे हुए आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत 2,54,00,000 गरीब लोगों के आयुष्मान बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों के लिए प्रत्येक परिवार को जो इस कैटेगरी में आता है 5 लाख तक का इलाज देने की जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है उसको तेजी के साथ में हम कर रहे हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री के नाते आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सुशासन की आप बात कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसके तेजी के साथ में मध्य प्रदेश हमारा अग्रसर हो रहा है और आगे भी हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम नागरिकों के लिए विकास की गति जिस तेजी के साथ में प्रदेश में बढ़ रही है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आज यहाँ पर इस पन्ना की धरती से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ और आदरणीय बीडी शर्मा जी को उनके आज खुद का उनका जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं पूरे संगठन को पूरा टीकाकरण में झोंक दिया, नीचे तक का संगठन लग गया और आज इतनी बड़ी सौगात है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय बीडी शर्मा जी और आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी। बृजेंद्र सिंह जी पहले मेरे रायसेन जिले के प्रभारी भी रहे हैं हमारे जिले के, तो आज मैं आप सबका बहुत बहुत इस हमारे स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन और उद्घाटन के समारोह में आपको बधाई देता हूँ। आम जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद श्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। निश्चित ही आपके इस प्रेरणास्पद उद्बोधन से हम सभी के मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।